Hey guys, Welcome again on YouTube channel Digital Learning. Today we are talking about is pay competitors Google Ads कि आप किस प्रकार से जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उसके जो एड्स गूगल एड्स होती है उसको ट्रैक कर सकते हो, उसके वो देख सकते हो, उसके कीवर्ड्स के बारे में देख सकते हो, जान सकते हो, उसकी लोकेशन के बारे में जान सकते हो कि वो किस प्रकार से टारगेट कर रहे हैं, कहाँ टारगेट कर रहे हैं और उसके जो कीवर्ड्स है कौन कौन से कीवर्ड के ऊपर वो टारगेटिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको इस पर करने जान सकते हो। ओके, तो आप किस प्रकार से जान सकते हो तो इस वीडियो में आप यही क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पास लगे बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उसके लिए मिल सके। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके जो अपने कॉम्पिटेटर की जो एड होती है, जो आपके कॉम्पिटेटर है, जो आप जो भी जो एड आप रन कर रहे हो वही एड पर आपका एड आपकी कॉम्पिटेटर रन कर रहा है, तो आप कॉम्पिटेटर की ये एड कैसे जानने की वो एड जो रन कर रहा है उसमें कौन सा कीवर्ड उसमें डाल रखा है और किस लोकेशन को टारगेट कर रहा है उसको हम किस प्रकार से जान सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे इसके लिए आपके टूल होती है, इसमें आपके टूल मदद करते हैं, जैसे सिमिलर वेब हो गया, स्वाइप हो गया, जो इन दो तीन टूल्स है इनके द्वारा आप अपनी जो कॉम्पिटेटर की जो जो एड्स होती है उनको ट्रैक कर सकते हो, उसको उसके बारे में जान सकते हो। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर वेब की। जैसे यहाँ पर सिमिलर वेब में आने के लिए सिमिलर वेब आपको ओपन कर लेना है यहाँ से। हाँ ओके, को सिमिलर वेब पे आना है और यहाँ पर सिमिलर वेब हो गया और दूसरा है आपको spyfu.com, है ना, spyfu.com और सिमिलर smilerwb.com, है ना, दोनों वेबसाइट है। जैसे कि मैं कि सिमिलर आप कोई भी आपके कंप्यूटर जब आप कोई एड रन कर रहे हो तो उसका आप URL आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं डालता हूँ कूपन, कोई भी वेबसाइट का डालता हूँ यहाँ से जो एड रन कर रहा है अभी। ओके, और इसमें जान सकते हो जो पर्टिकुलर कोई कंपनी जो पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है वो कहाँ से इसमें ट्रैफिक आ रहा है और कौन कौन से कीवर्ड इसमें यूज कर रहे हैं। इसमें ये लिमिटेशन है कि दो तीन कीवर्ड ही आपको बताएगा और ज़्यादा इसमें कीवर्ड देखना चाहते हो तो इसके पेड टूल आप थोड़ा पेड है तो आप इसका पेड टूल आप इसमें यूज कर सकते हो। ओके, इसमें आप देख सकते हो कंट्री ऑफ ग्लोबल रैंक, कंट्री कैटेगरी के रैंक देख सकते हो यहाँ से, ईकॉमर्स शॉपिंग है। ओके, वोटर चार्ज में देख सकते हो ट्रैफिक हो रही है, लोड हो रहा है, लोड हो जाए, इसके बाद लोडिंग से तरह से फ्रिंग हो जाएगी बात इधर से। ओके, ये पूरी तरह से लोड हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम ट्रैफिक और देख सकते हैं यहाँ से ट्रैफिक का, कैसे टोटल विजिटर इसके अंदर अगर इतने हैं, 8,81,000 ट्रैफिक है इसके अंदर, टोटल विजिटर है इसके अंदर, है ना, एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख सकते हैं यहाँ पर 1.46, है ना, पेज पर विजिट में 2.50। ओके, फॉर्म सेट है 48.16% है ना इसको, और इसका जो ट्रैफिक जो कंट्री है वो इंडिया है सबसे ज़्यादा, इंडिया के अंदर ट्रैफिक भेजा जाता है इसका, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर है, पोलैंड के अंदर है, अर्जेंटीना के अंदर है इसका। ओके, और इसका जो ट्रैफिक है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, ओके, ये देख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट जो ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है ना, रेफरल के द्वारा इतना आ रहा है, सर्च के द्वारा इतना ट्रैफिक आ रहा है, जो सर्च रिटर्न कर रहा है अभी, सोशल के द्वारा इतना ट्रैफिक आ रहा है, मेल इनकी कुछ भी बहुत कम ट्रैफिक आ रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है सर्च के द्वारा, है ना, रेफरल 192% है, रेफरल मतलब कि किस किस से टॉप रेफरल साइट है वहाँ पर से एड रन कर रहा है अभी गूगल अकाउंट से, यानी कि facebook.com से आ रहा है इसका, पेटम से आ रहा है, मेक माई ट्रिप से आ रहा है, अमेजन टोरियन, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक है वहाँ से आ रहा है इसका, है ना, और सर्च है 97.64% ऑनलाइन ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पर, है ना, और रेफर वगैरह की पेड की वर्ड से आ रहा है यहाँ पर, कूपन दुनिया गया इसने ये फाइव पेड टॉप तो फाइव पेड की वर्ड से यूज कूपन दुनिया यानी कि इसने कीवर्ड यूज़ कर रखा है, कूपन दुनिया यानी कि जो कीवर्ड से यूज़ कर रहा है ना, पेड की वर्ड 260% पेड ट्रैफिक आ रहा है यहाँ से, है ना, और सोशल यूट्यूब से इतना ट्रैफिक आ रहा है, फेसबुक से इतना ट्रैफिक आ रहा है, व्हाट्सएप से कितना ट्रैफिक, यानी कि सोशल से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर। ओके, एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कोई कर नहीं रही है, नो डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ओके, ऑडियंस इंटरेस्ट की देख लें, यहाँ पर इंटरेस्ट जान सकते हो कि ऑडियंस किस किस में, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, शॉपिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, है ना,
ना ओके। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर की वेबसाइट्स होती है ना, उसके बारे में जान सकते हो, और इसके सिमिलर वेबसाइट वगैरह होती है उनके बारे में जान सकते हो कि इसके जो सिमिलर वेबसाइट है कौन कौन सी है, इसके कीवर्ड वगैरह में जान सकते हो, इसके ट्रैफिक के बारे में जान सकते हो, इसके रैंकिंग के बारे में जान सकते हो, इसके लोकेशन के बारे में जान सकते हो, बहुत कुछ के बारे में आप भी इससे टूल इन टूल्स के बारे में आप इसके बारे में जान सकते हो। ओके, इन कीवर्ड्स का इन टूल्स का आप उपयोग कर सकते हो, इनके जान सकते हो आप इसको बेटर परफॉर्मेंस, आपको किस प्रकार से बेटर परफॉर्मेंस देना है। ओके, इसी प्रकार से आप इस पे के अंदर आप डाल सकते हो, और इसके अंदर भी जान सकते हो कि किस प्रकार से आप देख सकते हो, इसके अंदर भी ट्रैफिक वगैरह, इसका डोमेन के सब कुछ देख सकते हो इसके अंदर। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी जो कंप्यूटर की जो एड्स होती है उसको स्पाई कर सकते हो, और स्पाई मतलब कि उसके बारे में जान सकते हो। ओके, तो बस आज के लिए बस यही था, छोटा सा सिंपल सा ट्यूटोरियल था, और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।